ड्रेक इक्वेशन के अनुसार हजारों लाखों एलियन सभ्यता ना सिर्फ पूरे ब्रह्मांड में बल्कि हमारी आकाशगंगा में यानी गैलेक्सी में होनी चाहिए, और अगर वो सभ्यताएं हिंसक होती तो उन्होंने हमारी पृथ्वी पर कब का आक्रमण कर दिया होता। तो यह सवाल पूरी मानव जाति को सता रहा है कि आज तक एलियंस पृथ्वी पर क्यों नहीं आए, हमसे क्यों नहीं मिले। तो आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कारण है जो आज तक एलियंस हमें नहीं मिले। ग्रेट फिल्टर थ्योरी। कोई भी सभ्यता एक हद से ज़्यादा प्रगति नहीं कर पाती। इस थ्योरी के अनुसार आधुनिक सभ्यताओं के लिए उन्नति में कुछ बाधाएं होती है। कोई भी सभ्यता इन बाधाओं के आगे उन्नति करना मुमकिन नहीं है। अगर कोई सभ्यता इतनी आधुनिक बनने लगती है तो नैसर्गिक या फिर टेक्नोलॉजिकल आपदाओं के कारण लुप्त हो जाती होगी, क्योंकि किसी भी सभ्यता का ज़्यादा आधुनिक होना बाकी सभ्यताओं के अस्तित्व के लिए खतरनाक होता है। इसलिए सभी सभ्यताओं का कुछ काल में लुप्त होना नैसर्गिक है। इस वजह से शायद नजदीकी ग्रह पर कोई एलियन सभ्यता बची ही नहीं, इस वजह से वो हमसे मिल नहीं पाए, हम पीछे रह गए। शायद ऐसा भी हो सकता है कि सभी एलियन सभ्यताएं गैलेक्सी के किसी अच्छे छोर पर चली गई होगी, इस वजह से सिर्फ हम ही पीछे रह गए। जॉन स्मार्ट ट्रांसिशन हाइपोथेसिस के हिसाब से आकाशगंगा के कुछ एरिया ऐसे भी है जिनसे हम अनजान है, जो एलियन सभ्यताएं नैनो स्केल यानी और सूक्ष्म और तेज है, वो आकाशगंगा के अंदरूनी हिस्से में जहाँ पर ब्लैक होल्स होते हैं वहाँ पर रहती होगी, इस वजह से वहाँ तक हम कभी पहुँच नहीं पाए। उन्हें डायनासोर्स दिखेंगे। ब्रह्मांड काफ़ी बड़ा है, इसलिए ब्रह्मांड के दो स्थानों का डिस्टेंस प्रकाश वर्ष यानी लाइट ईयर्स में मापते हैं। एक प्रकाश वर्ष यानी प्रकाश किरण एक साल में कितना दूर जा सके वो डिस्टेंस। इस वजह से अगर कोई एलियन सभ्यता 65 बिलियन प्रकाश वर्ष दूर है और वो टेलीस्कोप से हमें देख रहे हैं तो उन्हें पृथ्वी पर डायनासोर्स दिखाई देंगे, क्योंकि प्रकाश किरण उनके तक पहुंचने पर उतना वक्त लगेगा। इस वजह से शायद एलियन सभ्यता पृथ्वी पर आने में कोई रुचि ना रखे, या फिर वो लुप्त हो गई होगी, या फिर उन्हें यहाँ तक आने के लिए और 65 बिलियन वर्ष लगेंगे, तब तक शायद पृथ्वी का नाश हो चुका होगा। हमारी पृथ्वी स्पेशल है। पृथ्वी पर जीवन होने के पीछे यहाँ की भौगोलिक परिस्थिति कारणीभूत है। किसी भी ग्रह पर जीवन ढालने लायक परिस्थिति होना काफ़ी दुर्मिल चीज़ है। इस वजह से हमारी सूर्यमाला के बाकी के ग्रहों पर जीवन नहीं है, यानी हमारी पृथ्वी एक दुर्लभ ग्रह हो सकता है। ऐसे दुर्लभ ग्रह एक दूसरे के नज़दीक में होने की संभावना काफ़ी कम है, इसलिए हमने शायद एलियंस को आज तक नहीं देखा, या फिर हमारी पृथ्वी स्पेशल नहीं है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि पृथ्वी जैसे कई ग्रह हो जहाँ एलियंस बसते हो, तो इस वजह से इतने सारे ग्रहों में दूसरे एलियंस का पृथ्वी पर आने की संभावना कम है, इसलिए एलियंस किसी और ग्रह या किसी और सभ्यता से मिलने गए होंगे और उन्हें पृथ्वी पर आने का वक्त ही नहीं मिला होगा। शायद इस वजह से हमने आज तक एलियंस को नहीं देखा। हम वर्चुअल रियलिटी में हैं। आप सबने मैट्रिक्स मूवी देखी तो होगी, उसी प्रकार हमारा ब्रह्मांड एक वर्चुअल रियलिटी हो सकता है। कई वैज्ञानिकों का मानना है कि ऐसी रचना पॉसिबल है, इस वजह से एलियन सभ्यताएं एक दूसरे से मिलना इसमें रोका गया होगा। इस प्रकार की वर्चुअल रियलिटी में एक दूसरे को देखना असंभव है, इसलिए शायद हम एलियंस से नहीं मिले, वो हमारी राह देख रहे हैं। आज मनुष्य फ्रीक्वेंसी की सहायता से संपर्क करने की क्षमता रखते हैं, परंतु एलियन सभ्यताएं शायद कुछ आधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती होगी जो हमें मालूम नहीं है, जैसे कि कोई दूसरा डायमेंशन या फिर ग्रेविटी या फिर कोई ऐसी टेक्नोलॉजी जिससे हम अनजान हैं। इस वजह से शायद वो हमसे संपर्क करने की कोशिश करते होंगे, परंतु हम इससे अनजान हैं और हमें वो संकेत समझ में नहीं आ रहे। शायद भविष्य में हम संपर्क के नई तरीके खोज लेंगे और उस समय एलियन से बात कर सकेंगे। हम उपग्रहों में रहते हैं। दोस्तों, हमारा ही उदाहरण ले लो, हमारे पृथ्वी पर बड़े शहर है और छोटे गाँव भी। शहर में रहने की सबकी चाहत होती है। शहरों के लोग गांव में जाकर रहना ज़्यादा पसंद नहीं करते, क्योंकि शहरों के एरिया में कई सारी चीज़ें उपलब्ध होती है और अच्छी लाइफ होती है। इसी तरह से हमारी पृथ्वी आकाशगंगा के बाहरी छोर पर है। अगर एलियंस होते हैं तो वो बीच वाले हिस्से में रहते होंगे जो ज़्यादा संपन्न है, इस वजह से उनका इतनी दूर बाहर आना का कोई कारण नहीं बनता। इस वजह से शायद एलियंस हमसे नहीं मिले, वो हमें देख रहे हैं। आधुनिक एलियन सभ्यता स्पेस से हमें देख रहे हैं या फिर हमारे साथ है पर दिखाई नहीं देते, शायद वो हमें ऑब्जर्व कर रहे हैं। फर्मी पैराडॉक्स और जू हाइपोथेसिस के हिसाब से जिज्ञासा की वजह से वो हमें देख रहे होंगे और हमारे बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहे होंगे। शायद हमें देखकर उनको उनके ओरिजिन के बारे में कई बातें समझ में आ सकती है,
इसलिए उन्होंने आज तक हमसे संपर्क नहीं किया। दोस्तों, आज हमने आपको बताया कि अगर एलियंस है तो वो हमसे आज तक क्यों नहीं मिले। आपको क्या लगता है इसके बारे में, ये कमेंट्स में ज़रूर लिखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें, और ऐसे ही मनोरंजक वीडियो के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।